हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। ध्यान रखने योग्य बातें, एक बार अपना कीमती समय निकाल कर जरूर पढ़े। नंबर एक, सर्दियों के मौसम में थकान और आलस को दूर करने के लिए अपनी डाइट में सीजनल फल जैसे संतरा, अमरूद, चीकू, पपीता, अंगूर और सेब जैसे फलों से शरीर को विटामिन सी और फाइबर के साथ मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, जो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। नंबर दो, आप अगर सर्दियों में नहाने के लिए साबुन की बजाय बेसन और दूध का इस्तेमाल करेंगे तो इससे त्वचा साफ रहेगी। बेसन और दूध का पेस्ट त्वचा को मुलायम बनाता है, इससे रूखापन कम होता है और बेजान त्वचा से छुटकारा मिलता है। नंबर तीन, रोजाना दूध पीने से न सिर्फ आपकी हड्डियाँ मजबूत होती है बल्कि इससे संपूर्ण स्वास्थ्य को फायदा होता है। यह वजन घटाने में मदद करता है क्योंकि दूध के सेवन से आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती है। दूध माइंड को रिलैक्स रखने और याददाश्त बढ़ाने के लिए भी फायदेमंद माना गया है। नंबर चार, यदि कान में कीड़ा चला जाए तो कान में सरसों का तेल डाल दे, कीड़ा अपने आप बाहर आ जाएगा। नंबर पाँच, आँख में मच्छर चला जाने पर उल्टे पाँव पीछे चलना शुरू कर दे, मच्छर निकल जाएगा। नंबर छः, दांत पर कच्चे पपीते का रस लगाने से दांत और खुजली की समस्या कुछ ही दिनों में ठीक होने लगती है। नंबर सात, 1 ग्राम भुनी हुई फिटकरी रात को मुंह में रखकर सोने से 3 से 4 महीने में तुतलाहट मतलब तुतलाने की समस्या कम होने लगती है। नंबर आठ, नाक में कोई चीज़ फंस जाए तो तंबाकू पीसकर सूंघने से छींक के साथ वो चीज़ बाहर आ जाती है। नंबर नौ, यदि आपको कम सुनाई देने की समस्या है तो उंगली में थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर कान में लगा ले, ऐसा करने से समस्या खत्म हो जाती है। नंबर 10, 1 गिलास मीठे दूध में 5 ग्राम बेलगिरी का चूर्ण मिलाकर पीने से खून बढ़ता है और शरीर में खून की कमी दूर होने लगती है। नंबर 11, कोई भी सब्जी धनिया और हल्दी के बिना बेस्वाद लगती है, इसके लिए आपको अपनी रसोई में धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर जरूर रखना चाहिए। नंबर 12, रात को सोने से पहले काली मिर्च पीसकर मुहासों पर लगाने से मुहासे ठीक हो जाते हैं। नंबर 13, अगर गलती से किसी ने कांच खा लिया हो तो उसे उबले हुए आलू खिलाओ। नंबर 14, बच्चों की सांस चलने पसली में दर्द होने पर सरसों के तेल को हल्का गर्म करके पान के पत्तों पर लगाए और दर्द वाली जगह पर बांधे, बहुत फर्क मिलेगा। नंबर 15, चेहरे पर छोटे छोटे तिल को जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको रोजाना रात को चेहरे पर मसूर दाल का पेस्ट लगा कर सोना होगा, इससे आपके सभी तिल मिट जाएंगे। नंबर 16, गंजापन दूर करने के लिए 5 चम्मच दही में 1 चम्मच नींबू का रस और 2 चम्मच काले चने का पाउडर मिलाकर इसे 1 घंटे तक सर पर लगा कर रखें, फिर उसके बाद सर धो ले, इससे हफ्ते में 2 से 3 बार करें। नंबर 17, रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी में 10-12 किशमिश डाल दे, अगली सुबह खाली पेट किशमिश का पानी पी ले और इसके बाद किशमिश को चबा कर खा ले। रोजाना इसके सेवन से लीवर नेचुरल तरीके से साफ हो जाता है। नंबर 18, पेट में किसी भी तरह का जहर चला जाए तो 1 ग्राम राई का चूर्ण पानी में घोलकर पीने से उल्टी दोबारा जहर बाहर आ जाता है। नंबर 19, अगर बाल झड़ने की ज़्यादा समस्या हो रही है तो पहले बालों को गीला कर ले, फिर बालों में सरसों का तेल की मालिश करें, उसके बाद बालों में शैम्पू कर ले, आपके बाल बहुत ही जल्दी झड़ना बंद हो जाएंगे। नंबर 20, जो औरतें ठंड के मौसम में अपने चेहरे पर बादाम का तेल या नारियल के तेल से मालिश करके सोती हैं तो उनके चेहरे मुलायम हो जाते हैं। नंबर 21, ज़्यादा बैंगन का सेवन करने से मुंह में छाले हो सकते हैं क्योंकि बैंगन की तासीर गर्म होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।